I am back. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? सबसे पहली खबर है आईफोन की तरफ से। यदि आपने किडनी को बेचकर या बचाकर या ऐसी तैसी कराकर जैसे भी आईफोन लिया है, तो उसी आईफोन में एक समस्या आ गई है। समस्या ये है कि यहाँ पर एक तेलुगु का कैरेक्टर है जिसे किसी को भेजा जाता है। इस तेलुगु कैरेक्टर को गया गन्या पता नहीं क्या पढ़ते हैं, जो तेलुगु जानते हैं प्लीज हमें बताएं कि ये क्या पढ़ा जाता है। तो वो जब भेजा जाता है मैसेज में, तो यहाँ पर आईफोन को लकवा मार जाता है, अर्थात वो क्रैश हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैक ओएस और वॉच ओएस के साथ भी आ रही है। यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट को टाइप भी करता है तो भी आईफोन हाथ खड़े कर लेता है कि भाई अब मैं बिल्कुल भी नहीं चलूंगा, पूरा फोन हैंग टाइप हो जाता है। तो अब एप्पल से पूछा कि भैया क्या है, तो कह रहा हो जाता है। अर्थात एप्पल ने इसे स्वीकार कर लिया और ये भी कहा है कि हाँ भाई हम इसके लिए अपडेट भेज रहे हैं और अपडेट करते ही ये समस्या हल हो जाएगी। तो जैसे ही आईफोन के लिए आपको कोई अपडेट आए तो तुरंत ही अपडेट कर लें, जिसके बाद आप इस बग को कह सकते हैं बग। जैसा कि आपको ज्ञात है Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro फ्लैश सेल की नौटंकी के साथ मिल रहा है 22 फरवरी को। तो यहाँ पर रिलायंस जो आपको 2200 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दे रहे हैं। कैसे? यदि आप इस फोन को लेते हैं और रिचार्ज कराते हैं 198 या 299 का, तो आपको 50-50 रुपए के 44 वाउचर मिल जाएंगे। जब आप बाद में 198 या 299 के रिचार्ज कराएंगे तो उनमें इन वाउचर को प्रयोग किया जा सकता है माई जियो ऐप में। साथ ही आपको डबल डाटा भी मिल रहा है। तो ये चीजें आपको रिलायंस जियो की तरफ से मिल रहे हैं। यदि आप ले रहे हो जो भी फोन, जो भी आपने मन बनाया है, तो मैंने एक वीडियो उसे भी आप देख लें और इस ऑफर के साथ ही ले लेना, ठीक रहेगा यार, फायदे में रह जाओगे। अगली खबर है लूटी सियासत एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने जियो के 19 रुपए वाले प्लान के कंपैरिजन में प्लान निकाला है 9 रुपए का, 9 रुपीस का, जिसमें आपको 100 MB डाटा मिलेगा और 100 SMS भी मिलेंगे और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी पूरे एक दिन के लिए। और क्या, 9 रुपए में पूरा जापान लोगे क्या? तो हाँ, तो ये 9 रुपए का प्लान आपको दिया जा रहा है एक दिन के लिए, जो भी एयरटेल वाले एक दिन की यदि उनको आवश्यकता पड़ती है, या ये मान लेते हैं कि घर में नहीं है आपके अंकल आंटी और आपकी गर्लफ्रेंड है बातू नहीं बसंती और हो नहीं सकती हो मुलाकात, तो भैया 9 रुपए डलवा लेना, कर लेना उससे दिल की बात, बोलो जय माता दी। यदि आप Google Pixel 2 खरीदना चाह रहे थे, खरीदने का मन बना रहे थे या खरीदने वाले हो, तो यहां पर आपको कैश बैक मिल सकता है 10,000 रुपए तक का। अगर आपके पास सिटी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, या आपकी पड़ोसी या पड़ोसन के पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो उसकी मदद से आप 10,000 रुपए तक के आसपास का डिस्काउंट पा सकते हो। तो यदि ये फोन लेना जा रहे हो या लेना चाह रहे हो, तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर लेना, 10-5,000 रुपए बच जाए तो यार बढ़िया ही है ना। हाँ, और बजा तेज, फाड़ दे औरन को। यहां पर मैं पार्टी चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा था। भैया खुशी की बात है, पिछले 2 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन का रेट $10,000 से ऊपर आ गया है ना, कमाल की बात। भैया नाच के दिखा दो, अब तक धड़कनें रुकी हुई थी, बिटकॉइन के रेट लगातार नीचे जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, हो सके तो उन्हें देख लेना, क्योंकि भैया कभी भी आपका दिल टूट सकता है, बिटकॉइन एक बुलबुला कभी भी फूट सकता है। अगली खबर है स्नैपचैट के बारे में। यदि आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, स्नैपचैट ने अभी एक अपडेट किया था जिसका बहुत विरोध किया गया है। 1 मिलियन के करीब पिटिशन भी साइन हुई है कि भैया हमें पुराना वाला ही स्नैपचैट दे दो, क्योंकि जो भी आपने फीचर न्यू दिए हैं वो यूजलेस है, बेकार है, बल्कि परेशान कर रहे हैं। तो यहां पर देखो अब स्नैपचैट इस जो भी अपडेट है उसको वापस लेता है कि नहीं लेता है। देखो स्नैपचैट, तुमने हमें गरीब कहा था लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है भैया, हम तुम्हारी खबर अब भी दे रहे हैं। बड़ों को बिगाड़ने के बाद फेसबुक आया है बच्चों के लिए, 13 साल से छोटे बच्चों के लिए फेसबुक किट। अभी तक iOS के लिए उपलब्ध था लेकिन अब आप अपने एंड्रॉइड पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर कि ये बच्चों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह। यहाँ पर फेसबुक ने कहा भी है कि ये पेरेंट के कंट्रोल में होता है, सभी सेफ्टी के साथ ये फेसबुक को लॉन्च किया गया है, फेसबुक किट को लॉन्च किया गया है। बाकी आप भी बताएं इसके बारे में, आपके क्या विचार है भाई, फेसबुक किट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन एक बार प्रयोग करके देख सकते हैं यार, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बुरा हो तो फिर बाद में देखते हैं निकालना है नहीं निकालना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो आप भी एक बार ट्राई करें, 13 साल से छोटे बच्चों के लिए फेसबुक किड है, अब iOS और एंड्रॉयड के लिए दोनों आ गया है, ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार देख लेते हैं, बुरा होगा तो अनइंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल का ऑप्शन तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
अगली खबर बहुत मस्त और बहुत जरूरी भी है। अभी तक आपने सुना होगा अमेजोन की तरफ से जो भी आपको ऑर्डर आता था, जो भी डिलीवरी आती थी, उसमें कुछ और निकल जाता था। अभी आईफोन मंगाया था एक बंदे ने, उसको साबुन भेज दिया था। यहाँ पर बच्चा ऑर्डर करते हैं, कच्चा भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में पता लगा है कि ये जो समस्या हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, कुरियर बॉय के थ्रू हो रही है। वहां से तो प्रॉपर ऑर्डर आता है, जो भी सामान भेजा जाता है वो आता है। रास्ते में जो कुरियर बॉय है वो इन समस्याओं को कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को चुरा लेते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसा हो रहा है। तो FIR भी हो गई है, यहां पर कुछ लड़के पकड़े भी गए हैं। लेकिन मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपने कुछ भी ऑर्डर किया है, खासकर महंगा, तो वहां पर या तो कुरियर बॉय के सामने ही खोल लें, या भैया खोलते वक्त वीडियो बना लें, ताकि बाद में क्लेम करने में थोड़ी आसानी हो जाए, कभी उसमें बच्चे के बजाय कच्चा ही निकल जाए। और अंतिम और बहुत जरूरी खबर, अटैकर्स ने नया तरीका निकाला है अटैक करने के लिए। यहां पर आपको एक PDF फाइल भेज दी जाती है, और जब आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो वहां पर आपके सिस्टम को डैमेज कर दिया जाता है। जी हां, 41 मिलियन फाइल फाउंड की गई है जो इसी तरह मैलिशियस एक्टिविटीज से भरी हुई थी। तो आप भी सुन लो भाई, थोड़ा बच के रहो। यदि खासकर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो, तो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दो साइबर के बारे में, कि कौन सी फाइल खोलनी है, कौन सी फाइल नहीं खोलनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो या पराए माल पर और पराए नारी की स्माइल पर, या झूठी मूठी या कहीं और से आई PDF फाइल पर नजर ना डालें, धप्पा हो सकता है। कोई नशा, नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। भाई एक सास कहती है अपनी बहू से, सुन ये तेरा माई का नहीं है, तेरी ससुराल है, यहां मेरी चलेगी तेरी नहीं चलेगी। तो बहू कहने लगी, माँ जी माई का तो ये आपका भी नहीं है, ससुराल ही आपकी भी, तो आप ही की क्यों चलेगी भाई। भैया आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक के काले बटन को यार नीला कर देना, दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में कह देना। हम सब मिलके पढ़ते हैं, बड़ा ही मजा आता है भाई। और हमारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो 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 दिल ये डोले, देखो 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 तुझको बोले, कम ऑन बेबी लेट्स डू द धमाल धमाल।